तो गाइस आप लोगों का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। आप देख रहे हैं टेक इज हैक्ड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया के लूनार मिशन चंद्रयान प्रोग्राम की। दोस्तों इस वीडियो में हम चंद्रयान 1 से लेकर चंद्रयान 3 तक की एकदम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के चंद्रयान 1 की। दोस्तों इस प्रोजेक्ट का बजट 386 करोड़ था। दोस्तों ये इंडिया का पहला लूनार मिशन होने वाला था। इंडिया ने इस मिशन को 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है वहां से इसे लॉन्च किया। दोस्तों इस मिशन का मेन गोल था मून की सरफेस और उसकी कंपोजिशन की स्टडी करना। इस चंद्रयान 1 ने मून की 3400 या 3400 ऑर्बिट्स किए और ये एक काफी वेल्दी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में सक्सेसफुल हुआ और इसकी कई डिस्कवरी थी जो कि आगे जाके हिस्ट्री बन गई। इसने सबसे पहले मून की सरफेस पे वाटर डिस्कवर किया जो कि एक हिस्ट्री है दोस्तों कि किसी देश ने मून के ऊपर पानी डिस्कवर किया। और इसकी दूसरी डिस्कवरी थी वो थी इसकी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो कि कंफर्म करता है कि मून की सरफेस पे वाटर अवेलेबल है। दोस्तों 29 अगस्त 2009 में चंद्रयान 1 के साथ कम्युनिकेशन बंद होने के कारण इसरो ने इस मिशन को ओवर कर दिया था। तो अब बात करते हैं दोस्तों हम चंद्रयान 2 के। दोस्तों ये चंद्रयान 1 का ही एक नेक्स्ट पार्ट हम कह सकते हैं। दोस्तों इंडिया का ये सेकंड मिशन था मून के लिए। इस प्रोजेक्ट का बजट दोस्तों 978 करोड़ था। इसको दोस्तों जुलाई 2019 को इसे लॉन्च किया गया था। दोस्तों इसके अंदर एक लैंडर था और एक रोवर भी था। दोस्तों इसके अंदर जो लैंडर था उसका नाम विक्रम रखा गया था और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया था। दोस्तों जो विक्रम नाम रखा गया था उसका भी एक काफ़ी जिसे हमारे इंडिया के ग्रेट साइंटिस्ट विक्रम साराभाई के नाम से लिया गया था और एक प्रज्ञान रोवर भी था। दोस्तों इस मिशन का मेन गोल ये था कि हमें एक सॉफ्ट लैंड करवाए मून की सरफेस के ऊपर। पर दोस्तों कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण ये लगभग अपने लैंडिंग पॉइंट से 2 किलोमीटर पहले ही क्रैश हो गया। 6 सितंबर 2019 को ये क्रैश हुआ था अपने ट्रेजेक्टरी अटैम्प्ट के कारण जो कि एक सॉफ्टवेयर ग्लिच था जिसे इसरो ने बाद में कंफर्म कर दिया था। दोस्तों ये प्रोजेक्ट या फिर ये मिशन 70-80% सक्सेसफुल हुआ था और जो 20% ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था वो था इसका लैंडर के क्रैश हो जाने के कारण। दोस्तों जो चंद्रयान 2 था उसका जो ऑर्बिटर था जो मून के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था वो एकदम सही सलामत था और वो अब भी अपना काम कर रहा है। दोस्तों ये वैल्यूएबल डाटा कलेक्ट कर रहा है मून की सरफेस के ऊपर से, वहाँ के एटमोसफेयर से और वहाँ की मिनरोलॉजी कर रहा है और वहाँ की लूनार सरफेस के बारे में स्टडी कर रहा है और वहाँ से जो कुछ क्रूशियल इन्फॉर्मेशन अर्थ पे इसरो में भेज रहा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं चंद्रयान 3 की जिसका बजट था 615 करोड़। दोस्तों ये मिशन अभी रिसेंटली 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ है। दोस्तों इस मिशन का फोकस था मच एंटिसिपेटेड मिशन भी हम इसे इंडिया का कह सकते हैं दोस्तों जो कि चंद्रयान 2 का जो मिशन बीच में ही क्रैश होने के कारण फेल हो गया था वहाँ से इस मिशन को ये कंटिन्यू करेगा। इसके अंदर भी हम एक लैंडर और रोवर देखने को मिलता है और इस बार पूरी कोशिश करी जाएगी कि एक सेफ लैंड कर सके। दोस्तों अगर चंद्रयान हो जाता है तो इंडिया दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जिसने सक्सेसफुली अपने किसी स्पेसक्राफ्ट या किसी ऑब्जेक्ट को मून की सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग या फिर एक सही लैंडिंग कराई है। दोस्तों जो ये मिशन है जो इंडिया कर रही है अपने स्पेस प्रोग्राम में, इसरो जो अपना 100% दे रहा है लूनार एक्सप्लोरेशन और भी कई मिशन के अंदर, जो कि एकदम ग्रेट परफॉर्मेंस है हमारी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो कि उन्होंने पास्ट फ्यू ईयर्स या फिर पिछले कुछ सालों में की है। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मिशन है जो इंडिया इस धरनी में कंटिन्यू रखेगा मून के लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।